अब हम प्ले करेंगे वॉर ब्राइट्स रिटन बाय मैरियन कैरिक वेंटवर्थ वेल ये प्ले सेम नेम से एक और ऑथर ने भी लिखा हुआ है इसीलिए देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन बट जो मैर वेंटवर्थ ने लिखा है उसमें वो बेसिकली बात करती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विमेन अप्रेशन और एंटी वॉर प्रपोजिशंस की बेसिकली इस प्ले में होता क्या है द मेन कैरेक्टर हेडविक जो है शी स्टैंड अगेंस्ट द मेल पेट्रियार्की मीन्स वो कि मेल डोमिनेशन को जो है सपोर्ट नहीं करती उसके अगेंस्ट खड़ी होती है ये प्ले दो तरह के इसमें आपको जो है फीमेल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं द वन एंड अलोन इज हेडविक एंड दूसरा जो दूसरी कैटेगरी है वो है हैडविक uh, की जो मदर इन लॉ है मदर गर्ट्रूड की उनकी बेटी एमिलिया और उसकी फ्रेंड मीना सो ये क्या करती हैं बेसिकली ये दीज आर द सपोर्टर ऑफ मेल पेट्रियार्की की मेल डोमिनेशन वो उनके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाती हैं और वो शायद समझ भी नहीं पाती हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है उनको यूज़ किया जा रहा है वेयर एज हेडविग स्टैंड अगेंस्ट ऑल दिस एंड शी अंडरस्टैंड दैट दे आर बींग यूज अब आते हैं कि इसकी मेन स्टोरी क्या है बेसिकली इस प्ले में ये है वॉर ब्राइड्स जो कि इसका टाइटल है वाई द टाइटल इज सो इम्पॉर्टेंट वॉर ब्राइड्स वॉर ब्राइड्स वो ब्राइड्स होती हैं जिनकी आर्मी पर्सनल से मैरिज करवा दी जाती थी एक टाइम पे दैट वाज़ द टाइम ऑफ द ऑथर जो उसका कंटेम्प्रेरी टाइम है उसी के रिलेटेड उसने जो ये प्ले है लिखा हुआ है तो जो वॉर पे जाने वाले सोल्जर होते थे उनको कभी भी जो है कंपनी कॉल कर लेती है कि वो लोग वॉर करने के लिए वॉर में शामिल होने के लिए आ जाएं तो उनकी ये एक ड्यूटी होती है दैट दे विल गेट अ वॉर ब्राइड फॉर देम सेल्व मीन्स वो अपने लिए एक लड़की ढूंढेंगे और इमीडिएटली दे वि गेट मैरिड टू दैट गर्ल ताकि जब वो वॉर पे जाएं तो पीछे से जो उनकी वो वॉर ब्राइड्स हैं जो उनकी वाइफ बनती हैं वो उनके बेबीज ब्रीड करें ताकि कंट्री को और सोल्जर्स मिलते जाएं और उस कंट्री में जो है मेल male, मेल्स कम ना हो तो बेसिकली वॉर ब्राइड्स वो लड़कियां होती थी जिनकी इनसे शादी करवा दी जाती थी जो हेडविग है हेडविग की शादी एज अ वॉर ब्राइड नहीं हुई होती है हेडविग और फ्रेंड्स जो उसकी जो कि उसका हस्बैंड है तो वो दोनों जो है दे वर कोटिंग विद ईच अदर दे वर लाइक इन अ रिलेशनशिप फॉर टू इयर्स लेकिन उसकी वो एक सीन आता है इसमें जब उसको कहा जाता है कि यू वर द फर्स्ट वॉर ब्राइड तो शी सेज की आई एम नॉट द वॉर ब्राइड रादर आई एम वेयरिंग अ गोल्ड रिंग तो वहां पे क्या था कि जो वॉर ब्राइड होती थी उनको आयरन रिंग पहना दी जाती थी अब आते हैं इसकी स्टोरी पे आई जस्ट गो थ्रू ब्रीफली इसमें स्टोरी सिंपली ये है दैट हेडविग इज एक्सपेक्टिंग द चाइल्ड ऑफ फ्रांस तो वो जब उसकी मदर इन लॉ को एक होप देता है कि हाँ अगर उनके उसके बेटे जो हैं वो लोग वॉर में गए हुए हैं तो भी शी हैज होप्स फॉर द कमिंग जनरेशन बट हेडवेक जो है वो बहुत ही कन्फ्यूजन uh, में uh, है जो कि उसकी मदर इन लॉ का कहना है कि पता नहीं वॉट शी थिंक्स एक्चुअल में वो हेडवेक के दिमाग में ये होता है कि इफ़ शी गेट्स अ बैड न्यूज फ्राम द बेटल फील्ड दैट हर हजबैंड इज डायड कि उसका हस्बैंड अब नहीं रहा तो वो उस बच्चे को जन्म नहीं देगी शी वुड जस्ट किल द बेबी और किल हर सेल्फ लेकिन ये बात वो किसी के साथ नहीं शेयर करती बट शी इज ऑल द टाइम इन दैट काइंड ऑफ अ कंफ्यूज स्टेट तो पहले सीन में हमें बस मदर और अमीलिया जो बात कर रहे होते हैं उससे हमें ये चीज पता लगती है अमीलिया आ, वो जाना चाहती है नर्स बन के बैटल फील्ड में अपने भाइयों को सपोर्ट करने बट मदर उसको रोक देती है दैट यू शुड नॉट गो अगर तुझे सपोर्ट ही करना है तो फ्रांस की वाइफ हेडविग की सेवा करे घर में रहके क्योंकि शी इज एक्सपेक्टिंग इतनी देर में वी कम अक्रॉस विद अन अदर कैरेक्टर दैट इज हॉफ जो कि अमीलिया को वॉर ब्राइट बनाना चाहता है वॉर ब्राइड बनाने आता है बट अमीलिया पहले तो उसको मना करती है बट जब वो थोड़ा बहुत ग्लोरीफाई करता है वॉर को वॉर ब्राइट्स को तो वो भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाती है इतनी देर में मीना आ जाती है मीना ट्राइज कि देखो मैं भी वॉर ब्राइट बनी हूँ एंड शी फील्स वेरी हैप्पी अमीलिया सारी चीज़ों से टेम्प्ट होके हाँ करने ही वाली होती है तभी हेडविग ये सब कुछ सुन रही होती है और वो आके उसको रोकती है एंड शी एक्चुअली ट्राइज टू पोर्ट्रे द रियलिटी बिफोर हर कि वो लोग वॉर ब्राइड्स नहीं बनाते हैं वो उनको एक ब्रीडिंग मशीन बना देते हैं कि जब वो चले जाएं वॉर पे सोल्जर्स तो ये उनके बच्चे पैदा करें और एक छोटी सी स्कीम दे देते हैं दैट वुड बी गिवन वीमेन पेंशन और समथिंग दैट सॉट ऑफ तो ये के एमिलिया हॉरिफाइड हो जाती है एंड शी जस्ट गोज इन साइड द रूम अब इतनी देर में हॉफमैन और हेडविक की बहस होती है तो हॉफमैन उसको कहता है कि आई रिपोर्ट टू यू टू द कंपनी क्योंकि तू लड़कियों को भड़का रही है तो हेडविक स्टैंड्स बोल्डली शी सेज आई एम नॉट स्केयर ऑफ यू एंड थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं कि हॉफ को भी कंपनी से कॉल आ गई है एंड ही हैज टू गो और वो जो है बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहां से चला जाता है एंड अगेन हेडविक को सेटन कर जाता है एंड आफ्टर वर्ल्ड वी गेट टू नो एक और कैप्टन हर्ट्स एक अनदर कैरेक्टर जो आते हैं वो मदर गर्ट्रूड को जानते हैं एक है उनके वर्ल्ड वो उनकी हेडविक uh, को ही वॉन्ट uh, करने आए हैं कि वो ऐसा ना करे बट हेडविक उनके साथ भी आर्ग्यूमेंट करती है एंड शी स्टैंड अगेंस्ट इट एंड वेन कैप्टन हर्ट्स को गेट्स टू नो दैट शी इज एक्सपेक्टिंग तो वो इमिडिएटली उसके साथ पोलाइट हो जाता है एंड द मोमेंट ही जस्ट वॉन्ट टू टेक टू द सेल सो दैट शी कुड नॉट डू एनी थिंग टू द बेबी वो कहता है कि हम वहीं पर इसको सेफ रखेंगे ये कुछ भी कर सकती है शी जस्ट टेक्स एन एक्सक्यूज दैट आई आई वुड जस्ट गो इन साइड एंड देन कम बैक और वो हेडविक वहां पर सुसाइड कर लेती है तो ये इसकी मेन स्टोरी होती है क्यों वो सुसाइड कर लेती है क्योंकि उसी टाइम जब कैप्टन हर्ट आए होते हैं आर्नो आके न्यूज देता है दैट ही इज कॉल्ड बाई द कंपनी आर्नो जो कि फ्रांस का छोटा भाई था उसको भी जो बुला लिया गया है कंपनी में वॉर uh, के लिए लेकिन uh, उस ये भी साथ में न्यूज देता है कि देर इज अ बैड न्यूज फ्रॉम द बैटल तो मदर को समझ आ जाती है एंड शी आस्ट हिम लाइक हु तो वो कहता है ऑल ऑफ देम मींस जो उसका बेटा फ्रांस था मदर गर्टरूड का वो भी उस वॉर में मर जाता है तो ये सुनते ही हेडविक जो है शी इज नॉट इन हर सेंसेस एंड शी जस्ट डू वट एवर शी ऑलरेडीज इन हर माइंड शी हैज रिटन अ लेटर टू द किंग कि उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि या तो हमें इस चीज की श्योरिटी दी जाए कि यू पीपल वुड नॉट वेज वॉर्स मैनी मोर वॉर्स सो दैट वी वुड जस्ट बी ए योर चिल्ड्रन एंड कीप दम ब्रिंग दैम अप बट अगर यही सब होता रहेगा वी वुड नॉट गिव यू चिल्ड्रन तो वो, वो बस यही कहना चाहती है तो so, इस प्ले से जो है प्ले राइट ने एक सिचुएशन दिखाई है जिसमें कि वुमेन ओपरेस भी करी जाती है एक साइड पे वो क्रॉप्स का भी ख्याल रखें दूसरी एक साइड पे वो फसलें पैदा करती हैं उनका ख्याल रखती है दूसरी तरफ दे आर ऑल्सो टेकन एज अ ब्रीडिंग मशीन फॉर द कंट्री फॉर द फादरलैंड थैंक यू